तो आज मैंने सोचा, मैं अपनी, मैंने आपको बताया कि मैं आज अपनी बहन के आई हूँ, तो उसकी अभी डिलीवरी हुई है, तो मैंने सोचा कि उसके लिए मैं गोंद के जो है लड्डू बनाऊँ। तो गोंद के लड्डू के लिए मैंने सब रेडी कर दिया है। ये देखिए, इधर मैंने काजू बादाम, ऐसे तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं आप, काजू बादाम, और ये मैंने ये भी ले लिया है मखाने, जो कि बहुत हेल्दी होते हैं, और अखरोट भी ले लिया है, और ये गोंद लिया है मैंने एक कटोरी, और ये खसखस और सूखा खोपरे का पाउडर रेडीमेड है ये, और घी, और ये सौंठ है, मैं आपको बताऊंगी बाद में कितना लगेगा, और ये मैंने जो है 3 बड़े चम्मच जो है मैंने मेथी दाना लिया है। तो इसको आपको भूनना है, पहले मैं इसको भून रही हूँ पहले, और सबको एक तरीके से भून के अलग करना है, मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, तो अभी आपसे थोड़ी देर में मिलने। ये मेथी को भून लिया है, मेथी दाना, ऐसे कुछ नहीं है कि इसमें मेथी नहीं डाल सकते, मैं थोड़ा सा कुछ एडिशनल करना चाहती थी इसमें, इसलिए मैंने इसमें मेथी को ऐड किया है, और मैं मखाने को भी ऐड कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ा और ज़्यादा ये थोड़ा हेल्दी हो जाए, क्योंकि मखाने भी हमारे अच्छे खासे हेल्दी होते हैं। तो ये मैंने एक मखाने भी ऐड किया है इसमें, मखाने मेरे भून चुके हैं और ये भी भून गया है। ये मैंने जो खोपरा था हमारा सूखा, उसे भून लिया है ऐसे ही हल्का सा, ये हल्का देख सकते हैं आप, हल्का सा ये ऐसा दिखना चाहिए, हल्का ब्राउन। और जो हमने मेथी और मखाने लिया था उसका हमने पाउडर बना दिया है। ये देखिए, जो मेथी थी उसका ये पाउडर है, और जो मखाने हैं उसका ये वाला पाउडर है, इसे हमने दरदरा सा उसे पीस लिया है। अगर आपको बारीक पाउडर चाहिए तो आप लोग कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी हो। और सारी जो सूखी चीज़ें थी हमने भून के उसे पीस लिया है, और ये भी हमने जो खसखस लिया है उसे भी भून लिया है। अब जो है हम घी में जो है हमारे ये गोंद करेंगे, और जो ये हमारे जो काजू बादाम और ये अखरोट है वो करें, ताकि जो ये जो घी का सामान है वो हो जाए, बाकी सब सूखी चीज़ें हमने जो है भून ली है। ये मैंने 2-3 चम्मच घी लिए, इसको मैं गरम कर लूँगी अच्छे से, ये गरम हो गई है। अब थोड़े थोड़े जो गोंद है हम ऐसे लेंगे और इसे स्लो पे ही अच्छे से पकाएंगे। जब ये फूल जाएगी तो हमें इसे निकाल लेना है, मैं बताती हूँ आपको एक बार करके, थोड़ा और डाल देती हूँ। ये देखिए, ये स्लो स्लो पर जो है ऐसे कड़क हो जाएगी, अभी फूल जाएगी। इसी स्लो पे ही पकाइए, वरना ये जब फास्ट भी करेंगे तो आप ये ऊपर से फूल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी, तो हमें इसे पूरा अंदर तक पकाना है, तो इसे स्लो पे पकाइए। अब देखिए, ये मैंने स्लो पे इसे पकाया, तो ये इस तरीके से ऐसे फूल गई है, तो ये मतलब हो गई है। तो अब मैं इसे निकाल के ऐसी इसी तरीके से सारी जो गोंद है हमारी इसे तल लें। तो अभी मैंने ये सबको जो है तल लिया है अच्छे से। ये है काजू, और ये है अखरोट, और ये है बादाम, इस सबको मैंने अच्छे से तल लिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर इसे दरदरा तीनों को पीस लेंगे। तो इसमें ये पहले जो घी बचा हुआ था, जो हमने तला था सब कुछ, तो ये घी बचा हुआ है, इसी में हम लोग गुड़ डाल देंगे। तो ये गुड़ मैंने लिया है, मेरे जो जितना लड्डू मैं बना रही हूँ उतना ही मैंने गुड़ थोड़ा कम लिया है, अगर आपको मीठा चाहिए तो। इसको गुड़ को डाल देंगे, और आपको कम मीठा चाहिए तो आप लोग कम गुड़ डालिए, तो वो कम मीठा बनेगा। मैंने मीडियम मुझे चाहिए था, तो ये मीडियम मैंने, अब इसको हम लोग मेल्ट होने देंगे, और इसी में हम लोग थोड़ा सा जो 5-6 चम्मच ड्रॉप चम्मच से पानी डाल देंगे। ये बहुत हंसी मजाक हो गया, हम लोग को बहुत हंसी आ गई थी, मैंने कुछ उल्टा बोल दिया था तो मेरी बहनें हंस रही थी। तो देखिए, मैंने 3-4 चम्मच इसमें पानी डाला है, छोटा चम्मच टेबलस्पून। तो अब इसे मेल्ट कर लेंगे हम लोग, तो अब इसे मेल्ट करना है हमें, ठीक है। तो पानी हम लोग इसमें इसलिए डालते हैं ताकि ये टॉफी जैसा कड़क ना हो, पानी इसे सॉफ्ट बनाएगा लड्डू को, अच्छे सॉफ्ट लड्डू बनेंगे हमारे, इसलिए हम इसमें पानी डालते हैं। पहले हम लोग, तो अभी हम लोग जो भी जितना भी पाउडर और वो सब बनाया था उसको अभी पूरा मिक्स कर देंगे। ये देखो, अच्छे से मिक्स करो इसको, और थोड़ा सा ये जो खसखस है
इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा बचाएंगे। हम जो ये गुड़ का जो हमने बनाया था ये सिरप, इसको डालेंगे बीच में और फिर ये चम्मच से ही हम लोग मिक्स हाथ से आराम आराम से, ताकि ये गीला ना रहे। जो गर्म है संभाल संभाल के हमें इसको करना है और थोड़ा थोड़ा डालेंगे पहले हम। ये देखो अब थोड़ा और डालेंगे। आपको आवाज की थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, सॉरी। इसी तरीके से हमें अच्छा सा इसको पूरा, अब मैं इसको पूरा फैला के डाल दूंगी। इसी तरीके से हमें धीरे धीरे जो है लड्डू को, जो मिक्सचर है इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि गुड़ जो है सब जगह अच्छे से जाए।